नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। नीट रिज़ल्ट 2023 कब जारी किया जाएगा और साथ ही साथ नीट के कट ऑफ पर काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। इस बार नीट का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरने वाला है। 15 से 20 अंक अब आप सभी को बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में, कल काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत भी पूछे गए हैं, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो नीट 2023 के छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे भी अपडेट आप सभी तक पहुँचाई जाती रहे। नीट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले बिल्कुल सटीक पाने के लिए गूगल पर जाएं, सर्च करें नीट हिंदी प्रो। हिंदी प्रो पर जितनी भी अपडेट नीट परीक्षा से रिलेटेड जारी की जाती है वो सबसे पहले यहां पर अपडेट होती है। और आज की सबसे बढ़िया अपडेट आ चुकी है नीट 2023 के छात्रों के लिए। जैसे ही आप लोग आएंगे यहां पर आप लोगों के सामने सबसे बड़ी अपडेट, आपको बता दें नीट परीक्षा के रिजल्ट इस दिन जारी होने वाले हैं, जारी होंगे और साथ ही साथ इस बार होने वाले हैं 5 बड़े परिवर्तन, कट ऑफ भी कम हो जाएगी। आपको बता दें काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है नीट 2023 के छात्रों के लिए आज की काफ़ी बड़ी खुशखबरी। लगातार छात्र अपने रिजल्ट डेट और कट ऑफ का वेट कर रहे थे और छात्रों के लिए, सभी छात्रों के लिए काफ़ी बढ़िया अपडेट आ चुकी, काफ़ी बड़ी खुशखबरी। नीट परीक्षा 2023 की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराई जा चुकी है और अब लाखों छात्र छात्राओं को नीट रिजल्ट 2023 का बेसब्री से इंतजार है। और आज बहुत बड़ी खुशखबरी, नीट परीक्षा 2023 के रिजल्ट और कट ऑफ पर बोर्ड के अधिकारियों ने जारी कर दी। इस बार नीट रिजल्ट 2023 को तैयार करने में कई बड़े परिवर्तन किए जा रहे हैं। इस बार नीट 2023 कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। आपको बता दें काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है आज की। अगर अपडेट की बात कर लें तो यहाँ पर नीचे जो जानकारी दी गई उसके साथ ही साथ यहाँ पर इस बार नीट परीक्षा का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है, क्योंकि जितने भी विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार इस बार नीट परीक्षा में कई छात्र छात्राओं अनुपस्थिति दर्ज कराए, यानी कि जो छात्र हैं वो अपसेंट हुए हैं इस बार काफ़ी ज़्यादा, जिसके कारण कंपटीशन कम हुआ है और कट ऑफ भी इस बार थोड़ी कम रहने वाली है हर साल की तुलना में। अगर बात करें तो लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि आप सभी का जो रिजल्ट है आगे आने वाले जून के महीने में जो है आपका जारी होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है।